फुल्ली डिजिटल काउंटिंग मीटर बना के दिखाऊंगा इस वीडियो का अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिबुल्ला गाजी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस नया वीडियो। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला, क्योंकि दोस्तों आप लोग अगर कॉयल बनाने का काम करता है या फिर इस वाला मशीन आप लोगों के पास है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों इस मशीन में एक काउंटिंग मीटर जरूरी है टर्न्स काउंट करने के लिए। मतलब टर्न्स काउंट करने के लिए हमें एक काउंटिंग मीटर इस मशीन में चाहिए होगा। मार्केट में जाओगे काउंटिंग मीटर खरीदने के तो मिनिमम 1000 रुपया तो लेगा ही लेगा। तो हम लोग बहुत ही कम बजट में, बहुत ही सस्ता में फुल्ली डिजिटल काउंटिंग मीटर बना के दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो उसको कैसे बनाना है, क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, उस कंपोनेंट कहाँ मिलेगा, कितना खर्चा होगा, ए टू जेड इस वीडियो में देख पाओ। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला, वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक करना और दोस्तों को शेयर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस काउंटिंग मीटर बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कैलकुलेटर चाहिए और एक मैग्नेट का टुकड़ा चाहिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों मैग्नेट का टुकड़ा लिया है, एक प्लास्टिक में सेटिंग करके रखा है और एक मोटर का मैग्नेट, ठीक है। दोनों मैग्नेट है, आप लोग चाहो कि तो किसी भी मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं और एक मैग्नेटिंग स्विच इस्तेमाल करो, मैग्नेटिंग स्विच जो कि फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा और एक सॉकेट, चार्जिंग सॉकेट, ठीक है, और एक चार्जर वायर। बस इस सारे सामान को लेकर हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को देखना है और एक प्लास्टिक का टुकड़ा लिया है, पीवीसी का टुकड़ा जो कि हमारा मैग्नेट स्विच है ना, मैग्नेटिंग जो स्विच है उसको मतलब उस पीवीसी में फिटिंग करना है, ठीक है। चलिए हम लोग कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं, इसका जो स्क्रू वगैरह है खोल के अंदर देखते हैं क्या काम करना है। तो दोस्तों, आप लोगों को जो सुवन वाला है, जो बटन है ना सुवन वाला, ठीक है, उसी के नीचे में, मतलब उसी समान वाला के वाला जो है ना बॉटम है, उसी का नीचे से हमारा दो वायर निकालना है। हमें देखना है समान वाला बॉटम दबाने में कौन सा वायर में कनेक्शन होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों एग्जास्ट हो रहा है, मतलब समान वाला बॉटम जमाने में इस दोनों एग्जास्ट हो रहा है, होता है। हमें कुछ नहीं करना, वहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे जो चार्जिंग सॉकेट है ना उसको लगा लेते हैं, फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर उधर वायर को कनेक्ट कर दूंगा। इसी तरीके से लगाना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूज करो फेवीक्विक आटा, आप लोग चाहोगे तो और उस मतलब आटा यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका ऊपर तो ग्लू स्टिक तो देना पड़ेगा। तो हम लोग एक वायर लिया है, सबसे पतला वायर, ठीक है, मतलब उस प्रिंट से इस सॉकेट में कनेक्शन कर दूंगा। हमारा इस प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमारा जो कैलकुलेटर है ना ये खराब नहीं होगा दोस्तों, ये आप लोग अगर इस्तेमाल उसमें भी कर सकते हैं या फिर अपना काम में भी लगा सकते हैं, अपना कैलकुलेटर खराब नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये सॉकेट वगैरह लगाया है। अगर हमें अभी कैलकुलेट करना है तो सॉकेट से हमारा वायर को खोल दूंगा, उसके बाद यूज़ करूंगा कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और जब
हमारा टर्न्स काउंट करना है, उसके उस टाइम सॉकेट के डाल दूंगा, सॉकेट मतलब वायर को सॉकेट में डाल दूंगा, उसके बाद टर्न्स काउंट होगा। तो आप लोग देख सकते हैं उसी दोनों लीड में हम लोग वायर कनेक्ट करो, जिस दोनों लीड का साथ माइनस बटन दबाने में आपस में शॉर्ट होता है, उसी दोनों लीड में लगाया है। आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, उसके बाद वायर को कनेक्ट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग अच्छे तरीके से ग्लू स्टिक लगा लेते हैं ताकि हमारा वायर कभी भी टूट ना जाए, जॉइन कभी भी टूट ना जाए। तो इतना करने में हमारा कनेक्शन है गए, आप लोग देख सकते हैं कैलकुलेटर का जो कनेक्शन है तो हो गया है। अभी कैलकुलेटर को फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद और जो काम है उसको करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसलिए वीडियो को स्किप करके मत देखना, ठीक है। मैं बहुत बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया है, ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो हमारा मतलब कैलकुलेटर तो का काम हो गया, अभी इस मैग्नेटिक स्विच का साथ वायर कनेक्ट कर रहा हूँ इसी तरह। ये तो सिंपल सा कनेक्शन है, ये आप सभी लोग आसानी से कर पाओगे, इसमें कोई घुरन फिरन नहीं है, ठीक है। इसी तरह हमारा जो पीवीसी सीट है ना, उसमें लगा लेते हैं, उसमें ग्लू स्टिक लगा के, सिंपल सा काम है, ठीक है। लेकिन इसका जो काम है ना वो तो बहुत बढ़िया है, करना सिंपल, लेकिन इसके इसमें जो काम होगा ना बहुत बढ़िया होगा। पर एक चीज़ देखना दोस्तों, ये जो मैग्नेटिक स्विच इसके ओपन साइड हम जिस तरह फिटिंग कर रहा है उसके ओपन साइड में मैग्नेट लगा के देखना है हमारा स्विच का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारा स्विच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको मेजरमेंट एडजस्ट करके लगाना है, ठीक है। मेजरमेंट करके उस सारे साइड के साइड में मैग्नेट लगाने में काम नहीं होगा दोस्तों, उसमें दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिएगा, मैग्नेट लगा के देखेंगे, ठीक है, ताकि अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग हैंड मशीन में फिटिंग करके दिखाते हैं। यहाँ पे जो नट है ना, इसको यहाँ पे लगाने में नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा बढ़िया नट लिया है, इस तरह हमारा जो मैग्नेटिंग यहाँ पे फिक्स है, इस टाइप का मेरे पास है, इसलिए इसका ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग किसी भी मैग्नेट यूज कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं, ठीक है। उसके बाद मशीन में लगा लेते हैं इस नट को, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैग्नेटिक स्विच को फिटिंग करना है उस साइड में, वो भी बड़ी सिंपल है, आप लोग आसानी से कर पाओगे। वहाँ पे जो स्क्रू है ना, उसको उठा के वहाँ पे डाल के स्क्रू लगा दूंगा। यहाँ पे ध्यान देना है, मेजरमेंट एडजस्ट बढ़िया से करना है, अगर एडजस्ट नहीं होगा टर्न्स काउंट सही तरीके से नहीं होगा दोस्तों, एडजस्ट करना है अच्छे तरीके से, तब जाके काउंट अच्छे तरीके से होगा टर्न्स। तो हमारा पीवीसी सीट ड्रिल हो गया, अभी यहाँ पे जो छोटो वाला स्क्रू वो तो नहीं चल गया, थोड़ा बढ़िया स्क्रू करना है तो हम लोग लिया है, ठीक है, इसको लगा के कॉज देते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। एडजस्ट करना है अच्छे तरीके से, ठीक है, एडजस्ट अगर अच्छे तरीके से नहीं होगा तो काउंट टर्न्स काउंट घूम चुक होगा, मतलब
कम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए एडजस्ट अच्छे तरीके से करना है। तो दोस्तों हमारा मैग्नेटिक स्विच लगाना होगा, उसके ऊपर ग्लू स्टिक से वायर को चिपका देते हैं ताकि हमारा वायर बाद में टूट ना जाए। तो हम लोग देख सकते हैं फाइनली हमारा काम पूरा कंप्लीट हो गया। कैलकुलेटर में लगाना होगा, यहाँ पे एक काम करना है, कैलकुलेटर में एक काम करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले टर्न्स काउंट करने से पहले कैलकुलेटर में एक काम करना है, वो देख लीजिएगा। सबसे पहले प्लस दबाना है, उसके बाद एक दबाना है, इतना करने में हमारा कैलकुलेटर वन हो गया है। अभी जितना घुमाओगे उतना टर्न्स काउंट होगा, जितना बार घुमाओगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं हमारा मशीन, हमारा जो काउंटिंग मशीन है ना, मीटर है ना, बढ़िया से काम कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे जो मैग्नेट और मैग्नेटिंग स्विच, इस दोनों का जो एडजस्ट है ना, एडजस्ट बढ़िया से नहीं होगा तो टर्न्स काउंट सही तरीके से नहीं होगा, कम ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए उस वहाँ पे मैग्नेटिंग स्विच और मैग्नेट का जो एडजस्टमेंट सही से करना है, बढ़िया से करना है, ये बात याद रख, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो काउंटिंग मीटर है ना, बढ़िया से काम कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप लोग अपना घर पे इस तरह कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके ये वाला काउंटिंग मीटर आसानी से बना पाओगी। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास काउंटिंग मीटर नहीं है, ठीक है, इस वाला मशीन से कॉइल बनाता है, इसलिए मैं वीडियो बनाया है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों के पास, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कैलकुलेटर पहले की तरह काम कर रहा है, पहले की तरह काम कर रहा है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, मतलब कैलकुलेटर का जो काम है ना वो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद।